अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में आने वाले गौतम गंभीर एक बार फिर चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में गौतम गंभीर किसी क्रिकेट स्टेडियम में जा रहे हैं, उसी समय दर्शक दीर्घा से कोहली कोहली या धोनी धोनी का नारा सुनाई पड़ता है। उस समय बारिश के बीच फोन पर बात करते हुए जा रहे गंभीर उंगली दिखाकर अभद्र इशारा करते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत में गौतम गंभीर ने इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्होंने उंगली तब दिखाई थी जब कोहली कोहली या धोनी धोनी के नारे लगाए गए थे। इस वीडियो में गंभीर ने दावा किया है कि कुछ पाकिस्तानी दर्शकों ने भारत और कश्मीर के बारे में आपत्तिजनक नारे लगाए थे, तब उन्होंने उंगली दिखाई थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जाता है वो पूरा सच नहीं होता। पहली बात तो ये, जो सोशल मीडिया में दिखाया जाता है उसमें कोई सच नहीं होता, क्योंकि सोशल मीडिया में लोग अपनी तरफ से जो दिखाना चाहें वो दिखाते हैं। सच्चाई है, जो भी वीडियो वायरल हुआ है उसमें सबसे बड़ी सच्चाई है कि अगर आप एंटी इंडिया स्लोगन्स लगाएंगे और अगर आप ये बोलेंगे कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद या फिर कश्मीर के बारे में बात करेंगे तो फिर बंदा किसी तरीके से तो रिएक्ट करेगा या फिर हंस के चला जाएगा। तो सिर्फ यही कारण था कि वहाँ पर दो या तीन पाकिस्तानी लोग थे जो एंटी इंडिया चीजें बोल रहे थे, हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल रहे थे और कश्मीर के बारे में बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली वो नेचुरल रिएक्शन है। मैं अपने देश के बारे में या देश के अगेंस्ट को सुन नहीं सकता हूँ। यानी कि आप कह रहे हैं कि जब आप यहाँ से कमेंट्री खत्म करके निकल रहे थे तो लगातार इस तरफ से इस तरह के नारे लगातार लगाए जा रहे? बिल्कुल, और इसी के कारण वो रिएक्शन था। अगर आप गालियां देंगे या देश के बारे में कुछ उल्टा बोलेंगे, अगर पर्सनली भी गालियां देंगे तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हंस के चले जाऊं या कुछ ना बोल के चले जाऊं? उस तरीके का तो मैं व्यक्ति हूं भी नहीं। सर क्या कहेंगे ऐसे लोगों को आप? क्या देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट देखने आए, जब आप मैच देखने आए तो आप अपनी टीम को सपोर्ट करिए, ठीक है। वहां पर कुछ पॉलिटिकल करने की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है, कश्मीर का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं है और हिंदुस्तान के बारे में गलत बोलने की जरूरत नहीं। आप अपने देश को सपोर्ट करिए। वहां पर हिंदुस्तानी क्राउड भी था, वो अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसमें क्या खराबी? बॉडी लैंग्वेज में किसी को बीच की उंगली दिखाने को बहुत बुरा माना जाता है, इसे अश्लील हरकत समझा जाता है। इसलिए कई लोग गौतम गंभीर की जमकर आलोचना कर रहे हैं। कुछ लोग तो उनकी इस हरकत के लिए सांसद के पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। इस साल मई में हुए IPL में बेंगलुरु और लखनऊ के मैच में गंभीर और कोहली के बीच की भिड़ंत ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। उस दिन मैच के बाद बेंगलुरु के खिलाड़ी विराट कोहली और लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर के बीच गुस्से में कहासुनी होते हुए सबने देखा था। दोनों को टीम के दूसरे खिलाड़ियों ने एक दूसरे से अलग किया और उन पर IPL ने फाइन भी लगाया था।